कांकेर में फर्जी नक्सलियों का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि नक्सलवादी क्षेत्र राजपुर के सरपंच के घर देर रात फर्जी नक्सली पहुंचे और खुद को नक्सली बताते हुए पैसों की मांग करने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से उनको पढ़ा गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दो लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। साथ ही अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आपको बता दें कि नक्सलियों का आवागमन का लाभ उठाते हुए नक्सली के नाम से लूटपाट करने का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार लूटपाट की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। मुराद की उस दिन सरपंच के घर में आए थे हम लोग तीन लोग। कौन कौन आए थे? ये सुरेश जैन और ये अपना रजनी कुरा। क्या आए थे इन लोग? मेरे को उधर से बुलाया, चलो पैसा लेने जाएंगे ऐसे बोल के मेरे को लाया उन लोग उधर से। सुरेश जैन यही अपने नीचे के 12 बजे रात का आए थे तीन लोग, मेरे को पैसा मांग रहे थे। कितना मांग रहे थे? इन लोग तो 1.5 लाख का डिमांड किए थे सर। डेढ़ लाख से मांग रहे इन लोग? हम लोग नक्सली हैं ऐसे हैं बोल के मेरे को आए थे इन लोग। और आसपास में और इस तरह किए हैं क्या? किए नहीं, चिकनी बिलोड़ में भी किए हैं सर ऐसे। सर पैसा लिए हैं वहाँ तो 5000-6000 ऐसे लिए हैं पैसा से। मामला आया हुआ है अभी राजपुर में कि नक्सलियों के नाम से अवैध वसूली करते थे, तो अभी जांच की जा रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।